लेकिन याद रखिए ये वन वे है, मतलब इधर से आने के लिए था उधर से जाने के लिए था। वाह मुंबई वाला फीलिंग आ गया यार। पुनाई चक सर्कुलर अंडर पास, वो पहला अंडर पास, वो दूसरा अंडर पास था सॉरी, और ये पहला अंडर पास। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं एक नया अपडेट आपको देने वाला हूँ। अंडर पास दो बन चुका है बे रोड के पास, मतलब कि क्या बताऊँ यार, नया साल अभी आया भी नहीं और हम लोगों को खुशखबरी मिल गया, दूसरा खुशखबरी। मतलब पहला अंडर पास तो आपने अगर मेरा व्लॉग नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, और ल्हासा मार्केट में यहाँ पर लगा हुआ देख लीजिए, इसका भी मैंने व्लॉग बना चुका हूँ। महीना हो गया लगता है, सप्ताह हो गया है आई थिंक, हाँ सप्ताह हो गया। तो हम लोग अभी इनकम टैक्स गोलंबर के पास से गुजर रहे हैं, आगे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर अंडर पास दूसरा बना है। चेकिंग भी चल रहा है, हेलमेट नहीं डबल पहनिएगा तो फाइन तो कटेगा भाई, तो आपके प्रोटेक्शन के लिए तो हेलमेट आप लोग पहन कर चले, और सिंपल ना पहने, गिरिएगा तो सर फटेगा, तो सिंपल वाला आपको बचा नहीं पाएगा, हेलमेट तो कहीं और चला जाएगा। तो सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, हीरो पनते के लिए बहुत टाइम है। तो इधर से गाइस हम लोग इको पार्क चले जाते हैं, इको पार्क नहीं जाना है, सीधे हम लोग निकलेंगे बेली रोड की ओर। तो कहाँ पर है यार वो अंडर पास टू, मैं तो दाबला हो रहा हूँ, अंडर पास वन भी यहीं पर है, आपको दिखा देता हूँ। बट याद रखिएगा आप उधर से आ सकते हो, उधर से जा नहीं सकते हो। देख लीजिए अंडर पास जो था लास्ट टाइम मैंने जहाँ का व्लॉग बनाया था वो रहा, वो अंडर पास, उधर से आप लोग सिर्फ आ सकते हो। बट और देखिए अभी इधर को ब्लॉक कर दिया गया, इधर से जाने का था पुल पर, बट हम लोग को अभी देखने मिलने वाला अंडर पास टू। हम लोग अभी उधर से जाते तो फिलहाल के लिए रास्ता उधर का ब्लॉक कर दिया गया है, लोग इस साइड से जा रहे हैं, मतलब इधर से आने के लिए था उधर से जाने के लिए था, नहीं सॉरी ये तो बंद ही था, मैं क्या बोल गया, ये तो बंद ही था, उधर ही जाने का सिर्फ था और नीचे से आने का था, वो वन वे था। और ये वाला जो कि बिल्कुल नया बनकर तैयार हुआ है, जहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं, इधर से बेली रोड निकल जाएंगे, पहले तो पटना जू निकलेंगे, बेली रोड तो आगे है। तो ये देखिए गाइस क्या नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा, वाह मुंबई वाला फीलिंग आ गया यार। ऊपर देख लो ब्रिज, क्या बताओ यार मज़ा आ गया, ब्रिज से और नीचे होकर जा रहे हैं अंडर पास, देख रहे अंडरग्राउंड होकर हम लोग जा रहे हैं, मज़ा आ गया यार। और ट्रैफिक अभी से होने लगा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, मज़ा आ गया यार, मैं क्या आपको बताऊँ, ठंड तो मैंने भूल गया। तो ब्रिज के नीचे से जाने वाला जो था ना सीन, वो बड़ा अच्छा, वो भी अंडरग्राउंड होकर है, ऐसे तो हर जगह ब्रिज के नीचे से जाते हैं हम लोग, बट अंडरग्राउंड होकर, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग आगे जाएंगे तो पटना जू चले जाएंगे, बेली रोड निकल जाएंगे, तो ये बहुत ही हम लोग कुछ नया मिला देखने को। आगे कट कर लेते हैं, तो इधर से आप लोग एयरपोर्ट जा सकते हो और इको पार्क भी जा सकते हो। तो जो हम लोग देखें अंडर पास टू बहुत ही अच्छा था, अगर ये अभी फ़िलहाल में खुला है। तो देखिए हम लोग अब जा रहे हैं, फिर इधर निकलेंगे तो इधर बेली रोड निकल जाएंगे, हम लोग इधर जाना है, इधर का रोड खाली, इधर आपको गलती से मत सोचिएगा कि स्टंट करेंगे बाइक करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम जेल में जाइएगा, ये सब VIP इलाका है। एक बार दो लड़के पकड़ा चुके हैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिनको शायद ना पता हो कि रोड ही हमेशा खाली रहता है, और ऑटो वगैरह यहाँ से देखिए नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं है, आपको बहुत इमरजेंसी हो तो ऑटो रिक्शा ही सब आ जाएगा, लेकिन आप कभी नहीं देखे यहाँ पर ऑटो वगैरह चल रहा हो, शॉर्ट मारने के चक्कर में ऑटो को घुमा के इधर से ले, वैसा कभी नहीं होगा। पुनाई चक सर्कुलर अंडर पास देखिए, अब लोग इधर जाएंगे तो फिर वही जिसका मैं आपको बोल रहा था, नीचे वाले अंडर पास से होकर निकल जाएंगे, देखिए इसी का मैंने लास्ट टाइम व्लॉग बनाया था, हम लोग अब उधर से घूम कर आते, तो मज़ा आ गया यार, मैं क्या आपको बताऊँ, फिर से अंडर पास हो, नीचे वाले हम लोग जा रहे हैं, दूसरा ये पहला अंडर पास है, वो जो अभी हम लोग गए थे वो पहला अंडर पास, वो दूसरा अंडर पास था सॉरी, और ये पहला अंडर पास, ये हम लोग फिर से वही बोलिंग रोड निकल जाएंगे, यहाँ से घूम कर इको पार्क का रास्ता आएगा, बोलिंग रोड का रास्ता आएगा, इधर से घूम कर हम लोग उधर ही निकलने वाले, जिधर से हम लोग आ रहे थे वापस। लेकिन याद रखिए ये वन वे है, और रात में आएंगे तो यहाँ लाइट भी ऑन रहेगा, नाइट वाले में, नाइट वाले का सीन मैं कोशिश करूँ कभी आपको दिखाने का, छोटा है बट बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए वाह, अभी हम लोग देखें ना, हम लोग ऊपर से गए थे हम लोग,
इधर से गए थे हम लोग, नीचे से आए घूमकर, तो मज़ा आ गया काफ़ी गाइस। तो ये था अंडरपास वन और वो था अंडरपास टू। तो यही मुझे आपको दिखाना था गाइस, छोटा सा अपडेट था, नए साल में कुछ नई खुशियां लेकर आए आप लोगों के लिए ज़िंदगी में। और हम लोग हमेशा खुश रहिए, जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, पुराने मेरे सब्सक्राइबर, नए सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। बाय, टेक केयर।